दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे मैक माई ट्रिप से फ़्लाइट टिकट कैसे बुक करते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से। वही इस वीडियो में आपसे बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों मैक माई ट्रिप से फ़्लाइट टिकट बुक करना बहुत ही आसान है अपने मोबाइल फ़ोन से। सबसे पहले तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कर लीजिए मैक माई ट्रिप। मैक माई ट्रिप सर्च करने के बाद मैक माई ट्रिप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, या फिर आप गूगल की वेबसाइट पर भी सर्च कर सकते हो मैक माई ट्रिप, और ऑफिशियल लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। याद रखिए, दोनों जगह से आप फ्लाइट टिकट बुक करोगे तो सेम ही तरीका है, वेबसाइट से भी और ऐप से भी दोनों में सेम ही तरीका है बुक करने का। बुक करने के लिए सबसे पहली वाली लाइन में पहले वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है फ़्लाइट्स का, उसके ऊपर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वन वे, अगर आपको सिर्फ जाने की बुक करना है या फिर आप कहीं ट्रेन से गए और रिटर्न आना है आपको, तो वन वे की आप फ़्लाइट बुक करना चाहते हो, यानी एक साइड की आप बुक करना चाहते हो, तो आप वन वे पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप आने जाने की दोनों बुक करना चाहते हो तो आप राउंड ट्रिप पर क्लिक कीजिए। अगर आप मल्टी सिटी टूर करना चाहते हो तो आप मल्टी सिटी पर भी क्लिक कर सकते हो। मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं वन वे पर क्लिक करने दूँगा, क्योंकि वन वे पर वीडियो बनाकर बताना बहुत ही आसान होता है। अब यहाँ पर देख सकते हो वन वे पर क्लिक कर लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम के आगे टू, फ्रॉम पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको ट्रैवल किस एयरपोर्ट से स्टार्ट करना है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। मैं यहाँ पर शुरू करूँगा लगभग से, देख सकते हो पुणे से, पुणे इंडिया से शुरू करूँगा। मैं जाऊँगा लगभग से गोवा, तो टू पर क्लिक कर लूँगा, गोवा लिख लूँगा यहाँ पर। देख सकते हो आप इसी तरीके से फ्रॉम में अपना नज़दीकी एयरपोर्ट डालिए, टू में आपको जहाँ भी उतरना है वहाँ का एयरपोर्ट का नाम डाल लीजिए, उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी डेट पर आपको जाना है। याद रखिए 1.5-2 महीना पहले फ़्लाइट टिकट बुक कीजिए, आपको सस्ती पड़ती है। अब यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग फ़्लाइट का प्राइस देखने को मिल रहा है आपको, तो पहले तो यहाँ पर, लेकिन मैं जैसा कि बताऊँ आप 1.5-2 महीने पहले फ़्लाइट टिकट बुक कीजिए, आपको सस्ती पड़ती है। तो इसलिए हम यहाँ पर ले लेंगे लगभग से जो है 4 जुलाई 2023। आप अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट कर लीजिए, डन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो डेट के नीचे लिखा हुआ ट्रैवलर, उसके ऊपर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आप एक हो, दो हो, तीन हो, यानी जितने भी लोग हो यहाँ पर आपको ऐड कर लेना। मैं सिंगल हूँ तो मैं सिंगल रहने दूंगा, कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। आपके साथ कोई चिल्ड्रन है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, नहीं है तो फिर छोड़ देना। उसके बाद डन पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद सर्च फ्लाइट की बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अलग अलग जो है कंपनी की फ़्लाइट यहाँ पर देखने को मिलेगी, अलग अलग टाइम के हिसाब से, अलग अलग प्राइस के हिसाब से। अब आपको ये तय करना है आपको किस प्राइस में जाना है और किस फ्लाइट में और किस टाइम पर जाना है। यहाँ पर अगर आपको जो है मैटर नहीं करता है प्राइस, तो आप नीचे भी देख सकते हो अलग अलग फ़्लाइट का प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और टाइमिंग भी अलग अलग देखने को मिलेगा, जैसे विस्तारा हो गया और यहाँ पर आपको एयर इंडिया वगैरह देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ऊपर ही आपको एक दो फ्लाइट जो देखने को मिलेगी वो सस्ती चीप देखने को मिल जाएगी, जैसे इंडिगो हो गया, एयर इंडिया की हो गया, यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको सबसे पहले तो किस टाइम पर जाना है ये आपके दिमाग में बैठा लेना है, और किस प्राइस में जाना है और किस कंपनी की एयरलाइंस में आपको जाना है, तो आप उसके हिसाब से उसके ऊपर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे प्राइस मैटर करता है, मैं सस्ते में जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इंडिगो की एक सुबह में 5:55 की फ़्लाइट है, एक घंटा बाद जो है हमें गोवा छोड़ देगी। ये देख सकते हो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा, आप भी अपने हिसाब से क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर डिटेल दी गई है, पढ़ लेना है, उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर बैग की पॉलिसी वगैरह पढ़ लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अगर कैंसलेशन का कुछ रिफ़ंड पॉलिसी में आपको कंट्रीब्यूट करना है, यानी आप इसमें अगर 1399 रुपये का लेते हो, देख सकते हो, तो आपको 3738 रुपये पूरा आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन मुझे रिफ़ंड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो है चीप फ्लाइट पहली बुक कर रहा हूँ, उसमें 1399 रुपये और दूंगा, तो यहाँ पर जो है मेरे को पैसा ज़्यादा लग जाएगा। अब आप देख लीजिए, आपको कैंसलेशन पॉलिसी वगैरह यहाँ पर अच्छी से टर्म्स कंडीशन पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर ऐड कीजिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। उसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे आपको यहाँ पर देख सकते हो प्रोमो कोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर प्रोमो कोड डालकर अप्लाई कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ ऑफ मिल जाएगा। अब नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले तो ट्रैवलर में आप मेल हो फीमेल हो वो सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फर्स्ट नेम मिडल नेम डाल लेना है,
जो आधार कार्ड पर नाम है वही देख देख कर एक एक स्पेलिंग देख कर भरना है, याद रखिए। लास्ट नेम भर लेना है, उसके बाद अगर आपके पास जीएसटी डिटेल है तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो है जीएसटी डिटेल भर के टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, नहीं ये तो फिर छोड़ देना है, आपको आगे बढ़ जाना है। ईमेल आईडी डाल लेना है, यहाँ पर आपको अपनी उसके बाद मोबाइल नंबर डाल लेना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की साइड में आ जाना है। आपको अगर ट्रैवल का आपको बैग वगैरह की पॉलिसी देख सकते हो यहाँ पर लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं तो फिर नो पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है पूरा, आप टोटल पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो कुछ नहीं करना है आपको, नीचे कंटिन्यू का बटन दिया गया एकदम लास्ट में, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हो नाम वगैरह अच्छे से पढ़ लेना है, अगर स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है तो यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो फिर कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हो आपको अगर यहाँ पर सीट वगैरह लेना है कुछ तो यहाँ पर आपको पैड करना पड़ेगा, ग्रीन वाली जो है फ्री है, बाकी यहाँ पर जो है आप देख सकते हो अलग अलग प्राइस दिया हुआ, जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा बेहतर होगा आप छोड़ दीजिए इसको, आप एयरपोर्ट पर जाने के बाद सीट विंडो सीट वगैरह मांग लीजिए, आपको फ्री में मिल जाएगी, पेड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मील में कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो मील का भी ऑप्शन दिया, आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आपको पेड करना पड़ेगा मील का। उसके बाद देख सकते हो आपको कुछ और ऐड करना है, कैब वगैरह कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो फिर स्किप टू पेमेंट की बटन पर ऊपर ऑप्शन दिया उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेना है, पेज देख सकते हो ओपन होकर आ गया। अब यहाँ पर आप जो है पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के लिए आप जो है गूगल पे फ़ोनपे वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, उसी के साथ साथ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले पर क्लिक कर लूँगा, आप भी इसी तरीके से क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर अपनी आईडी डाल लेना है, देख सकते हो आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले तो नीचे प्राइस देखने को मिल रहा है 3,827 रुपये, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो बेस फेयर था 3,738 रुपये था और यहाँ पर कन्वीनियंट फ़ीस जो लगा था 309 रुपये लगा था, उसमें आपको 170 रुपये का कूपन कोड अप्लाई करने पर जो है ऑफ मिला है। उसी के साथ साथ अगर आप UPI से पेमेंट कर रहे हो तो आपको 50 रुपये और एक्स्ट्रा ऑफ मिला है, यानी यहाँ पर देख सकते हो लगभग से आपको ये जो फ्लाइट टिकट पड़ रही है 3,827 रुपये की पड़ रही है। उसके बाद देख सकते हो वेरीफाई एंड पे का ऑप्शन दिया हुआ, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पर आपको आईडी सही से डालना है, देख सकते हो मैं यहाँ पर आईडी में कुछ गलत डाल दिया इसलिए यहाँ पर आईडी गलत दे रहा है। पे की बटन पर क्लिक कर लेना, आईडी सही डालने के बाद पे की बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, आपको मैसेज आएगा फ़ोनपे की तरफ से, ऊपर देख सकते हो मैसेज आएगा अभी, और नहीं आता है तो आपको बीच का बटन दबाकर फ़ोनपे पर चले जाना है, वहाँ से आपको पेमेंट कर लेना है। याद रखिए अगर आपने गूगल पे का आईडी डाला है तो आपको गूगल पे पर डायरेक्ट जाना है पेमेंट करने के लिए, अगर आपने अमेज़ॉन पे की आईडी डाला है तो आपको उधर जाना है पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो मैसेज आ गया, पे की बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फ़ोनपे ओपन होकर आ जाएगा, पे की बटन पर क्लिक कर लेना है, फिर से एक बार पे की बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके बैंक से अमाउंट यानी आप अपना UPI पिन डालिए, UPI पिन डालने के बाद आपकी बैंक से अमाउंट कट हो जाएगी, आपका टिकट कंफर्म बुक हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा, आपके मेल पर PDF फाइल आ जाएगी बुकिंग की, याद रखिए। दोस्तों इसी तरीके से आप आसानी इज़ माई ट्रिप से फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, और हाँ कमेंट में जरूर लिखिए। ओके, जय हिंद।